प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लखनऊ के कोर्ट में धमाका हुआ है। धमाका वजीरगंज इलाके में हुआ है, इसमें कई वकील घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कोर्ट परिसर में 3 जिंदा बम मिले हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। हमले में कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। यहां से जो 3 जिंदा बम मिले हैं, उन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ये बम हमला आपसी विवाद की वजह से हुआ है। कचहरी में चुनाव भी होना है, उसी कारण रंजिश में हमला किया गया हो। 2 वकीलों की आपसी विवाद में यह हमला हुआ है। जीतू यादव नाम के व्यक्ति पर आरोप है कि उसने बम फेंका है। मौके पर जिंदा बम मिले हैं। 1 व्यक्ति को ज्यादा चोट लगी है, बाकी 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। वकीलों के 2 गुटों में विवाद था, जिसकी शिकायत बुधवार को एक ग्रुप के वकील ने बार काउंसिलिंग में की थी, जिसकी वजह से विवाद बढ़ा है। वकील संजीव लोधी पर हमला हुआ है, वह बार काउंसिलिंग के पदाधिकारी है। लखनऊ बार एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री पर भी जानलेवा हमला हुआ है। आरोप है कि कोर्ट परिसर के अंदर संयुक्त मंत्री पर बम से हमला हुआ है। आरोपी भी बार काउंसलिंग का सदस्य है। हमले में बार एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी संजीव लोधी पर व 5 अन्य वकीलों को भी चोटें आई हैं। लखनऊ जिला सत्र न्यायालय के गेट नंबर 3 के पास बार एसोसिएशन के संयुक्त संजीव लोधी का चैंबर है। वे कुछ वकीलों के साथ चैंबर के बाहर सड़क पर खड़े थे, तभी हमलावरों ने उन पर 4 बम फेंके। 1 बम फट गया। सीसीटीवी से संदिग्धों की पहचान की जा रही है। इस घटना से वकीलों में आक्रोश है। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। पीड़ित वकील संजीव लोधी ने सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह हमला वकील जीतू यादव ने करवाया है। लोधी ने कहा कि गुंडे व अराजक तत्व बम व असले लेकर कैसे पहुंच गए, यह एक बड़ा सवाल है। लगातार कल से महामंत्री जीतू यादव लखनऊ बार, सुधीर यादव, अन्नू यादव और उनके भाई राजन यादव, अजय यादव का फोन आ रहा था, मुझे धमकियां दी जा रही थी। और आज 11:30 बजे मैं अपने चैम्बर के बाहर खड़ा था, तो कम से कम 10 अज्ञात लड़के, जिसमें 3-4 लोग एजाज और ऐसे लड़के थे जो यहाँ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यहाँ विधि व्यवसाय नहीं करते हैं, वो आए हैं। उन्होंने बम से हमला किया, 1 बम फटा है, 2 बम अभी पड़े हुए हैं यहाँ परिसर में। और उसके बाद मेरे ऊपर असलाह तान दिया, और तो मेरे जो है जूनियर ने पकड़ लिया। उसके बाद ये लोग कुछ इधर भाग के गए हैं, कुछ उधर भाग के चले गए हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना मेरे साथ में होती है, तो उसका शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। मुझे सुरक्षा चाहिए। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।